भैया देख बिना ब्रेक के। डाउनलोड टक ऐप। आपको साल 2019 में दुनिया भर में हुए प्रदर्शनों की तस्वीर दिखाते हैं। पूरे साल इराक, वेनेजुएला, लेबनान, फ्रांस, स्पेन, हांगकांग समेत करीब 28 देशों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और दुनिया भर में चर्चा का विषय बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस में हुए येलो वेस्ट प्रदर्शन की, जिसकी शुरुआत 2018 में ही हो गई थी। दुनिया में सिटी ऑफ लव के नाम से मशहूर पेरिस से शुरू हुए आंदोलन ने देखते ही देखते पूरे फ्रांस को अपनी चपेट में ले लिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए और आंदोलन में लाखों लोग शामिल हुए। इसी साल जून में हांगकांग में शुरू हुए प्रदर्शनों ने भी दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरी। लोकतंत्र के समर्थन में शुरू हुए आंदोलन से हांगकांग की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई। प्रदर्शन में लोकतंत्र समर्थक हांगकांग के अलग अलग शॉपिंग मॉल में जमा हुए और विरोध दर्ज कराया। हांगकांग में 7 महीने पहले प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे और भारी दबाव के बीच हांगकांग सरकार ने बिल को वापस भी ले लिया था, लेकिन बाद में आंदोलन का स्वरूप बदल गया और लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन शुरू हो गया। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों की भी इस साल दुनिया में खूब चर्चा हुई। करीब 3 महीने से चिली युद्ध का मैदान बना हुआ है और राजधानी सेंटियागो में हर रोज बड़े पैमाने पर हिंसक आंदोलन हो रहे हैं। लगातार जारी हिंसक विरोध के बीच चिली की अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। पहले से ही आर्थिक संकट झेल रहे चिली में बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू रही है। ये विरोध प्रदर्शन संविधान को बदलने की मांग को लेकर हो रहा है। आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें इराक की राजधानी बगदाद की हैं, जहां अक्टूबर से शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आर्थिक सुधार और बेरोजगारी के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन की वजह से इराक के प्रधानमंत्री अब्दुल मेहदी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। लेबनान में हिंसा का दौर खत्म नहीं हो रहा। सरकार विरोधी प्रदर्शन एक बार फिर चरम पर हैं। राजधानी बेरूत समेत देश के कई हिस्से विरोध की आग में जल रहे हैं। लेबनान में प्रदर्शनों का दौर उस वक्त शुरू हुआ जब सरकार ने व्हाट्सएप के जरिए इंटरनेट कॉल पर कर लगाने का ऐलान किया और विरोध में 17 अक्टूबर से ही प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री साद हरीरी और उनके मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को खारिज भी कर दिया था। इसके बावजूद भी लोग बैंकिंग सेक्टर में सुधारों और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सड़कों पर जमे हुए हैं। इस साल लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना में भी महिलाएं अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करती नजर आईं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने गर्भपात कानून के खिलाफ मौजूदा नियम को बदलने की मांग की और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। साफ है, दुनिया भर में जहां सरकारों से लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं,
तो वहीं सरकार लोगों की उम्मीदों के सामने नाकाम दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि नए साल में सरकार और जनता के बीच जारी गतिरोध जल्द खत्म होगा।